नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बनारस में दुनिया की सबसे पहली फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन को स्थापित किया गया है और ये आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, एआईपीएल। उन्होंने ही इसको डिजाइन किया है, उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, वाराणसी में आने वाले दिनों में जो बहुत सारे तीर्थ यात्री हैं जो आने वाले हैं, उन लोगों के लिए अब इको फ्रेंडली तरीके से टूरिज्म हो सके, इसके तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल या डीजल के मुकाबले में आप सीएनजी देखें तो ये वो बोट्स होंगे जो कि कम पॉल्यूशन जनरेट करेंगे, जीरो तो नहीं लेकिन कम पॉल्यूशन जनरेट करेंगे। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं सीएनजी फिलिंग स्टेशन अब फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है, फुल्ली सर्विसिंग है, 500 बोट्स को ये सर्विस कर रहा है। ये डीजल में पहले चला करते थे पर अब ये सीएनजी में चलेंगे और जल्द ही दोस्तों ये पावर करेगा 1700 बोट को जब इसको फर्दर एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ मंडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स 2023 4 PM to 6 PM है, तो इसमें हिस्सा जरूर लें। हम जल्द ही यानी कल से हम जून मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो इसमें आपका इंतजार रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास है, इसकी लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जरूर वहां पर जाके हमसे जुड़ें और एनरोल करना ना भूलें। एनरोल करें यूजिंग दी कोड KC10। अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10 तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट सब जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करेगी, तो आप निश्चिंत होकर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए। और इसी में अगर आप देखें तो 500 बोट्स को गंगा जी में ऑलरेडी डीजल में चलने के बजाय उनको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो गंगा जी में 500 बोट्स आप देख सकते हैं जो कि अब डीजल पर नहीं चल रहे, अब वो सीएनजी पर चल रहे हैं। ये बोट अगर आप देखें तो इनको रीडिजाइन किया गया था एंड ये गंगा इको फ्रेंडली बनाने के लिए इसको रीडिजाइन किया गया था। लेकिन अब समस्या क्या आ रही थी कि ये सीएनजी को रिफिल कैसे करें, तो सिलेंडर हटा के वापस ले जाया जाता था जमीन में, रिफिल करवा के वापस से बोट में लगाया जा रहा था। तो अब वो समस्या भी खत्म हो चुकी है क्योंकि खिड़किया घाट जो कि वाराणसी में है वहां पे दुनिया की पहली फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन आ चुकी है जो कि इको फ्रेंडली बनाएगी कुछ हद तक इन बोट्स को। तो दोस्तों, अगर आप इस फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की बात करें तो इसको बनाया गया है खिड़किया घाट, जिसको नमो घाट भी कहते हैं। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है एंड गेल भी इसमें मदद कर रही है एंड उनके द्वारा इन सीएनजी स्टेशंस को रन किया जाएगा और जो बोट्स हैं उनको क्लीन फ्यूल दिया जाएगा। बहुत ज्यादा क्लीन नहीं, रिलेटिवली क्लीन जब हम बात करेंगे सीएनजी की। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है जिनकी ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा नदी पे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बन सकती है, स्थापित हो सकती है, ये आईआईटी बीएचयू वाराणसी के सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, एक्वा फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों, नदी में ये बनाना आसान नहीं होता सीएनजी फिलिंग स्टेशन, क्योंकि नदी में बहुत तेजी से पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, बाढ़ के सीजन में बाकी सीजन में भी फ्लो में भी चेंजेस आती रहती हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके द्वारा ये फ्लोटिंग जो चेंज हो रही है, पानी की लेवल हो रही है, उसके अनुसार सीएनजी स्टेशन भी ऑपरेट कर सके। और एट द सेम टाइम जो कि इन बोट्स में क्योंकि सैलानी होने वाले हैं, टूरिस्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद रहे कि उनके लिए भी ये सेफ रहे, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। सो दैट ये जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है ये पानी के लेवल के साथ जो ऊपर नीचे होती है वो भी स्लो एंड ग्रेजुअल तरीके से हो, सो दैट सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बोट्स हैं सीएनजी बोट्स होंगे जो कि काशी विश्वनाथ में टूरिस्ट को लेकर के जाने वाले हैं, उन टूरिस्ट के बोट्स को ये फिल किया करेंगे और जल्दी ये 500 से नंबर बढ़कर उम्मीद की जा रही है 2022 के अंत तक ये 1700 बोट्स को फिल करने में सक्षम होगी। ये राउंड द क्लॉक वर्क करेगी एंड साल भर काम करेगी। अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसी का नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फिक्स्ड टाइप जेटी टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी बीएचयू के विद्यार्थियों के द्वारा जो कंपनी है उन्होंने ही अगर आप देखें तो पेटेंट किया है इसको। तो ये एक इसमें एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है जिसके द्वारा
जिस प्रकार से पानी का लेवल बढ़ रहा है बदल रहा है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। एंड इतना ही नहीं, ये ग्रेविटेशनल बुएंट फोर्सेस के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती है और ये बाई डायरेक्शनली एडजस्ट करने में सक्षम है, यानी कि वर्टिकली तो करती है ऊपर नीचे पानी के प्रभाव के साथ, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टली भी एडजस्ट करने में सक्षम है। जैसा सीजनल टाइडल चेंजेस होगा पानी में उसके अनुसार हॉरिजॉन्टली भी एडजस्ट कर सकेगी। तो इसमें दोस्तों टू टीयर डेक सिस्टम है, एक अपर डेक होगा जिसमें सीएनजी कंप्रेशन यूनिट होगी और नीचे के डेक में होगा जहां पे आप देखें तो डिस्पेंसिंग फैसिलिटी है, जहां से सीएनजी डिस्पेंस किया जाएगा, इन बोट्स में डाला जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले अगर आप देखें तो सीएनजी कंपेयर टू पेट्रोल डीजल 10% लेस इंजन लेस 10% लेस पोल्यूशन जनरेट करती है। नंबर वन फायदा ये होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस नहीं जनरेट करेगी, ये भी फायदा है। क्वाइटर होती है, इंजन से आवाज कम होता है, तो इससे बहुत ज्यादा जो कि इको लोकेशन का इस्तेमाल करने वाले जीव हैं जैसे गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो इन पानियों में रहती है, तो उनपे जो एडवर्स इफेक्ट होता है साउंड का वो कहीं ना कहीं हम कर्व कर सकेंगे और इनके जीवन को भी बेहतर बना सकेंगे एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक साउंड जनरेट करते हैं, इको लोकेशन करते हैं और ये साउंड जब रिफ्लेक्ट होके आती है तो उससे वो अपने प्रे को या रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको लोकेट करते हैं, तो जो बोट्स की आवाज है वो नॉइज का काम करती है, तो वो नॉइज कुछ कम हो सकेगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन बोट्स में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि पेट्रोल या डीजल स्पिल हो जाता है, तो वो स्पिल नहीं होगा क्योंकि अब ये सीएनजी पर चलेंगे, तो इस वजह से वाटर क्वालिटी एंड मरीन लाइफ दोनों को ही हम गंगा जी में सुरक्षित रख सकेंगे। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल तो होने वाला है। एंड ये दोस्तों काशी विश्वनाथ में जो तीर्थ यात्री जाने वाले हैं उन लोगों को ये बोट के द्वारा वहां तक पहुंचाया जाएगा, तो उनके लिए बनाया गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर आप देखें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल को घाट से जोड़ती है, एंड इसके द्वारा अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कि जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, वो आसानी से घाट से मंदिर तक जा सकें। तो इसमें कहा गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाते वक्त 40 से ज्यादा एंशियंट टेम्पल्स को वापस रीडिस्कवर किया गया ड्यूरिंग दी वर्क ऑफ दी प्रोजेक्ट, एंड जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर दी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इसके सिवा दोस्तों नेशनल वाटरवे 1 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है 1620 किलोमीटर का, प्रयागराज से लेकर आप अगर देखें प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक कुछ इस प्रकार से देखें आप अगर, तो ये रन करता है नेशनल वाटरवे 1 जैसा आप इस वक्त यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, दिस इज द नेशनल वाटरवे 1। तो दोस्तों इसके अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को सर्व करता है और इसमें हावड़ा, कोलकाता, भागलपुर, पटना, वाराणसी जैसे कई इंडस्ट्रियल रीजन हैं जिनको कनेक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का यही प्लान है कि इस नेशनल वाटरवे 1 के द्वारा जो बल्क गुड्स हैं लाइक सीमेंट, आयरन ओर, कोल एंड अन्य कंबशन प्रोडक्ट्स, कूल क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन जैसे ही आयरन प्रोडक्ट्स, इनको आसानी से मूव करवाया जाया जा सके यूजिंग दी नेशनल वाटरवे 1, और इससे जो लॉजिस्टिक्स की हमारी कीमत है, जो खर्चा है वो कम हो सके, तो सो दैट हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, उसी के उद्देश्य से नेशनल वाटरवे 1 को जोर शोर से डेवलप भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सीएनजी स्टेशन भी काफी फायदेमंद हो सकते हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं है, आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप एक साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में, तो जो एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है, एक साल की आइकन एक कॉम्बो 7,722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में एक साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे, तो इसका फायदा उठाएं। यूज दी कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है, तो उसके पहले इसका फायदा उठा लें। इसके सिवा CSE श्योर प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल अगर आपको उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको एक साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट है,
50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अन अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लवासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से UPSC CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।